पांच चरणों में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 6 जिलों के 50 विधानसभा क्षेत्रों में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार को मतदान हुआ। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान 10 नक्सली क्षेत्रों में 4 बजे तक और बाकी जगहों पर शाम 5 बजे तक जारी रहा। तीसरे चरण के तहत जिन जिलों में मतदान हुआ उनमें सारण, वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिले शामिल हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लाइन लगी रही और लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। नक्सल प्रभावित इलाकों में भी शांतिपूर्ण मतदान हुआ। बिहार असेंबली इलेक्शन के तीसरे चरण का चुनाव आज पूर्ण शांतिपूर्ण पूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। कुछ स्थानों पर ईवीएम परिवर्तन की शिकायतें सुबह मिली थी, जिसको समय पर ठीक कर दिया गया। राज्य में कुल 53.32% मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 3% ज्यादा है। महिलाओं का वोट प्रतिशत 54 जबकि पुरुषों का 52.50% रहा। जिलेवार मतदान प्रतिशत की बात करें तो सारण में 52.50%, वैशाली में 54.82%, नालंदा में 54.11%, पटना में 51.82%, भोजपुर में 53.30% और बक्सर जिले में 56.58% मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का उपयोग किया। बात सारण की करें तो जिले में लोगों में मतदान को लेकर जोरदार उत्साह देखा गया। मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारों में लगकर लोगों ने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। वैशाली में भी मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया और लोगों ने जमकर मतदान में हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में युवा वोटर ने मतदान में हिस्सा लिया। चुनाव होते गए, हर चुनाव में वादे होते गए कि झोपड़ी से मकान बन जाएगा, लेकिन आज भी वो अपनी झोपड़ियों में ही रह लिए। लेकिन इसके बावजूद उत्साह ये है कि वोट करने आई हैं अपना, और उनको लगता है कि इस बार जो वो वोट करेंगी और जो अपनी सरकार चुनेंगी, अपनी पार्टी चुनेंगी, वो आने वाले वक्त में कुछ बदलाव करेगा। नालंदा में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तमाम मतदान केंद्रों पर वोट पड़े। खासकर महिलाओं और बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखा। तो बुजुर्ग और महिला मतदाताओं के अलावा युवा मतदाता जो हैं, वो भी बहुत जोर शोर के साथ यहां मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं। पटना जिले में मतदाताओं में जोश दिखा, हालांकि बाकी इलाकों के मुकाबले थोड़ा उत्साह कम दिखा। चुनाव आयोग ने जिस तरह से इंतजाम किए हैं वो काफी बढ़िया है और काफी सुविधा इन लोगों को देखने को मिल रही है। भोजपुर में भी मतदाताओं का उत्साह देखते ही बनता था। कुछ सीटें नक्सल प्रभावित थी जिसके चलते तगड़े सुरक्षा बंदोबस्त थे। बक्सर में भी कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने लंबी लंबी कतारों में वोट दिए। तमाम ऐसे वोटर भी थे जो पहली बार मतदान केंद्रों तक पहुंचे और जात पात के बंधन को तोड़कर विकास के नाम पर वोट दिया। हमारे साथ निशा कुमारी हैं, जिन्होंने पहली बार मतदान किया है। बताइए कि क्या मुद्दे हैं, क्या आपको लगता है, क्या चाहती हैं आप, कैसा बिहार हो, क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि एक विकसित बिहार हो, बहुत पिछड़ा ये राज्य है, सोच रहे हैं कि विकसित देश हो, उसको वोट दें जो बिहार को विकसित करे। जिन इलाकों में आज मतदान हुआ वहाँ चुनाव आयोग की ओर से भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। हवाई निगरानी के लिए 5 हेलीकॉप्टरों और ड्रोन की मदद ली गई। इस चरण में वीआईपी मतदाताओं ने भी खूब वोटिंग की। केंद्रीय मंत्रियों रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूडी के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मतदान किया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी परिवार के साथ वोट डाला। मतदान में लोगों की जोरदार भागीदारी हमारे मजबूत होते लोकतंत्र का प्रतीक है। जाहिर है इस सब के पीछे चुनाव आयोग का अथक प्रयास है। चुनाव आयोग का स्वीप अभियान भी रंग लाया और मतदान केंद्रों पर लोगों के उत्साह ने इसे साबित किया। डीडी न्यूज़।